प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी जिले के कपिलवस्तु पहुंची। बहुगुणा प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री है और कपिलवस्तु भगवान गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली है। उन्होंने यहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया और यहां काम कर संस्थाओं के काम से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान स्तूप और म्यूजियम को देखा। कपिलवस्तु में होटल के लिए 15 एकड़ जमीन अधिग्रहित होने और यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए हेलीपैड बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ खुदाई के दौरान मिले अवशेष जो बाहर है उसे लाने का काम वो करेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी बात करेगी। प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने एक जनसभा को संबोधित किया। तहसील मैदान में केंद्र सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को जनसभा के माध्यम से बताते हुए कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के सरकार ने जो काम 48 महीनों में आम जनता के लिए किया है वो 48 सालों में अन्य पार्टियों द्वारा किए गए कार्यों के बराबर है। पिछले सरकारों के प्रधानमंत्री जनता के पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जनता के पैसे को जनता के ऊपर खर्च किया। मोदी जी ने देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 1200 कानूनों को खत्म करने का काम हमारे सरकार ने किया। मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि यह मुद्दा कोर्ट में है और अब कोर्ट के फैसले के अनुसार ही मंदिर मुद्दे काम करेंगे। पेश है सिद्धार्थ नगर के संवाददाता मोहम्मद अफाकी, खास रिपोर्ट। मैडम कब लगेंगे? देखिए बुद्ध परिपथ में कपिल वस्तु जो अभी तक थोड़ा कहीं पीछे है उसको आगे लाने का पूरा निश्चय हमारी सरकार ने किया है। हमारे यहाँ के सांसद जी ने, जगदम्बिका पाल जी ने, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधियों ने काफी प्रयास किया और इन्हीं के प्रयास से आज 35 करोड़ रुपए से कपिल वस्तु में प्रारंभिक कार्य शुरू हुआ। इसकी महत्ता को, इसके महत्व को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये जो म्यूजियम स्थापित हुआ वो भी इन्हीं लोगों के प्रयास से, वो एक बहुत बड़ी एक मील का पत्थर है। और मैं समझती हूँ यहाँ पर रहने के लिए होटल्स और अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, यहाँ गाइड्स की आवश्यकता है, यहाँ ASI और हमारे विभाग को मिलकर सौंदर्यकरण करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने 15 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है होटल्स के लिए। हम विदेशियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, देश के भी हम निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अति शीघ्र यहाँ पर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बने जहाँ पर लोग रात को विश्राम करें, रुके। और अभी आपको मालूम है कि लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्रकाश और ध्वनि का। ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ के लिए बनेगा। VIP लॉन्च होगा, यहाँ हेलीपैड बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम ऐतिहासिक जगहों को हेलीपैड से भी जोड़ेंगे। कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया है, दिल्ली और कलकत्ता में, तो वो अगर यहाँ आ जाए, जब यहाँ इतना खूबसूरत म्यूजियम बन गया है तो ये निर्णय तो ASI को कल्चर विभाग के माध्यम से लेना पड़ेगा। और हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग जाकर महेश शर्मा जी से हम लोग संपर्क करेंगे, ASI से अधिकारियों से बात करेंगे, हम अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो प्रधानमंत्री जी से ये बात का निवेदन करें। और वही क्यों, जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ के कलकत्ता में या दिल्ली में रखे हैं वो सब कपिल वस्तु वापस आने चाहिए, जो खुदाई में मिली हैं चीजें, जब वो यहाँ जाएंगी म्यूजियम में तो फिर यहाँ पर सैलानियों की कमी नहीं होगी या श्रद्धालुओं की कमी नहीं होगी।